हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका म्यूजिकल महेश चैनल पर एक बार फिर से, जहां पर मैं आपके साथ में म्यूज़िक की बातें शेयर करता हूं। और ये जो वीडियो है गिटार लर्निंग की सीरीज़ में नया वीडियो है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि छोटी थोड़ी सी म्यूज़िक थ्योरी बताऊंगा मैं। हालांकि थोड़ी सी बोरिंग है, बट यकीन मानिए अगर आप इसको सीख लेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा मैं, आपको डाउट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्की हल्की है ना, हल्की हल्की थ्योरी चलेगी और हल्का हल्का प्रैक्टिकल चलेगा, तभी मज़ा आएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो क्या करना है कि लिटिल म्यूज़िक थ्योरी के अंदर क्या है, देखो म्यूज़िक में क्या होता है, सात नोट्स होती है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं सा रे गामा पा धा नी सा, उसी तरह से इंग्लिश में सी डी ई एफ जी ए और बी, ये सात नोट्स होती हैं, मेन नोट्स होती है। उसके अलावा पांच नोट्स होती है, उनको आप या तो शार्प बोल सकते हो या फिर फ्लेट बोल सकते हो, ठीक है ना। सी और डी के बीच में सी का शार्प और डी का फ्लेट होता है, डी और ई के बीच में डी का शार्प या ई का फ्लेट बोल लीजिए, ई और एफ के बीच में कुछ नहीं होता है, एफ और जी के बीच में एफ का शार्प या फिर जी का फ्लेट उसको बोल सकते हो आप, जी और ए के बीच में, जी के बाद में ए नोट आ जाती है, जी और ए के बीच में जी का शार्प या फिर ए का फ्लेट आ जाता है, ए के बाद में ए का शार्प या बी का फ्लेट, बी और सी के बीच में अगेन फिर कुछ नहीं है, और सी और डी के बीच में सी का शार्प या डी का फ्लेट, और डी के बाद में फिर आ जाएगा डी शार्प या ई फ्लेट, और इसके बाद में ई के बाद में एफ, यानी कि ये सीरीज पूरी तरह से चलती रहती है। तो एक छोटी सी म्यूजिक थ्योरी है ये। स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स कोड्स नोट्स, सॉरी नोट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूले को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल सी मेजर स्केल की बात करें तो सी मेजर स्केल यानी कि सी से रिलेटेड एक स्केल्स जिसमें कि कुछ नोट्स हैं और वो एक फॉर्मूले को फॉलो करके बनती है, यानी कि सी मेजर स्केल में सी डी ई एफ जी ए और बी, ये सात नोट्स, इनको हम सी मेजर स्केल बोलते हैं। उसके बाद में कोड्स क्या होती है? कोड्स होती है जब हम दो या दो से अधिक नोट्स एक ही टाइम पे बजाते हैं। जैसे ये ई माइनर कोड है, ये सी मेजर कोड है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? कोड्स बोलते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा नोट, यानी कि दो या दो से अधिक नोट जब हम एक ही टाइम पर बजाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोड्स। तो ये कोड्स का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको गिटार के बारे में फैमिलियर कर देता हूँ। अभी तक मैंने बताया नहीं था क्योंकि अभी तक हम थोड़ी सी बोरिंग क्लासेस में चल रहे थे, बट आज से इंटरेस्टिंग है। देखो ये होते हैं ट्यूनिंग पैक्स, यानी कि ये ट्यूनिंग करने के काम आते हैं। जब हम यहाँ से इनको घुमाते हैं तो स्ट्रिंग टाइट या लूज होती है, जैसे ठीक है ना, अभी लूज हो रही है, अभी टाइट होगी, तो ये ट्यूनिंग करने के काम आते हैं। अभी मैं इसको वापस, अभी मैंने इसको ट्यून कर दिया है। तो ये ट्यूनिंग पैक्स हैं, ये स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग की जो काउंटिंग होती है वो नीचे से शुरू होती है, यानी कि ये एक नंबर स्ट्रिंग है, ये दो नंबर स्ट्रिंग है, ये तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर और सबसे मोटे वाली छः नंबर की स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो छः स्ट्रिंग्स हो गई। उसके बाद में इनको हम बोलते हैं फ्रेट्स, यानी कि जब हम किसी स्ट्रिंग को यहाँ पर, ये जो आप गैप देख रहे हैं यहाँ से, तो इसका फिर जो अपर बॉडी ट्यूनिंग पैक्स वगैरह ये सब स्टार्ट हो गए, यहाँ से नीचे, यहाँ से और ये जो मेटल पोर्शन आप देख रहे हो एक चमकता हुआ सा गोल्डन कलर का, इन दोनों के बीच में जब हम दबाएंगे किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है, जैसे मैंने पहले स्ट्रिंग को पहले यहाँ पर दबाया हुआ इस खाने में, तो क्या होगा कि हम इसको बोलते हैं फ्रेट, यानी कि मैं इसको पहले फ्रेट में दबा करके प्ले कर रहा हूँ, एफ आर ई टी, फ्रेट बोलते हैं इसको। तो मैं इसको पहले फ्रेट में दबा करके प्ले कर रहा हूँ, यानी कि इसको बोलते हैं फ्रेट। ये पहला फ्रेट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन के बाद में फिर ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, यानी कि आप अपने गिटार में काउंट कर सकते हो आपके पास में कितने फ्रेट है। उसके बाद में कुछ मार्किंग होती है फ्रेट्स के ऊपर, तो उसका एक मैं जनरल सा आपको यूज़ बता देता हूँ। देखो थर्ड फ्रेट के अंदर आपकी मार्किंग होती है, ठीक है ना, नॉर्मली किसी किसी गिटार में थर्ड में नहीं होती, डायरेक्ट पाँचवीं में होती है। तो ये मेरे ख्याल से, मैंने कहीं पे पढ़ा तो नहीं है ऐसा, कोई थ्योरी की कोई बुक तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं इसको यूटिलाइज कैसे करता हूँ कि ये जब मैं कोड्स प्ले कर रहा हूँ, जैसे इस तरह की कोड्स प्ले कर रहा हूँ इस तरह की, तो मुझे आसानी होती है, बड़ा ही मतलब आसान लगता है जब मैं थर्ड फ्रेट के रेफरेंस में लेकर के, हाँ ये सी माइनर कोड है, ये डी माइनर कोड है फिफ्थ फ्रेट के अंदर, तो आप जो है फ्रेट की काउंटिंग करने के लिए बड़ी आसानी से इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि आठवें फ्रेट में दबाओ, तो आप एक तो काउंट करोगे यहाँ से, लेकिन अगर आपको पता होगा कि ये पाँचवा, ये सातवां और सात के बाद में ये आठवां फ्रेट, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये डबल डॉट जो आप देख रहे हो वो है ट्वेल्थ फ्रेट। डबल डॉट का क्या मतलब है और क्या यूज है मैं बता दूं कि देखो म्यूजिक में टोटल 12 नोट्स होती है, और यहाँ पर जो हर एक फ्रेट जो है वो एक हाफ स्टेप से चलता है। हाफ स्टेप का मतलब है जब हम ए ए ए नोट है, ए नोट के बाद में आती है ए शार्प, तो ए और ए शार्प से हम जब हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाफ स्टेप, ठीक है, या फिर टोन बोलते हैं, माफ कीजिए सेमी टोन, ठीक है ना, सेमी टोन या फिर हाफ स्टेप। तो ये एक
मतलब तरीका है कि गिटार में कैसे जब आप फ्रेट पे बढ़ते हो तो नोट्स मूव होती है। तो देखो 12वें फ्रेट पे डबल डॉट को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, 12 नोट्स होती है म्यूजिक के अंदर टोटल, आपको पता है। लेकिन जब आप 13वें फ्रेट पे दबा करके फिर प्ले करोगे तब क्या होगा कि जो फर्स्ट फ्रेट में आपने जो नोट बजाई है वही यहाँ पर प्ले होगी, बट क्या होगा कि उसका ऑक्टेव अलग होगा। ऑक्टेव का मतलब कि 8 नोट्स का समूह है, सी से लेकर के सी डी ई एफ जी ए बी, ये पहला ऑक्टेव हो गया। बट लास्ट नोट जो बी है, बी के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तब भी वो नोट्स तो आती रहेगी, तो वो ऊपर वाले ऑक्टेव में चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे हारमोनियम में आप बोलते होंगे सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक या फिर तीव्र, तो वो सप्तक ही होता है ऑक्टेव इसके अंदर, इंग्लिश नोटेशन के अंदर, ठीक है ना। तो आपने जान लिया कि ये जो डॉट्स हैं इनका क्या यूज होता है। उसके बाद में देखो ये होते हैं, ये पेग्स होते हैं। पेग्स कब यूज होते हैं, जब आपकी मान लीजिए कोई स्ट्रिंग टूट जाती है, तब आप क्या करेंगे, इस पेग को निकाल देंगे और जो ये स्ट्रिंग है इसमें लास्ट में थोड़ा सा एक घूम करके वाइंड होता है। कभी मैं आपको बता दूंगा, हो सकता है आपको बताने के लिए मुझे अपनी स्ट्रिंग तोड़नी पड़े और उसके बाद में आपको फिर चेंज करके बताऊँ, या फिर हो सकता है कभी प्ले करते ही टूट जाए तो मैं तभी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो गिटार चेंज, स्ट्रिंग चेंज करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस पैग को निकालो और यहाँ पर जो है गिटार का एक जो जिस पर राउंड शेप है अंदर डालो, पैग वापस लगाओ, यहाँ पर घुमा करके ट्विस्ट करके फिर धीरे धीरे उसको ट्यून कर कैसे करते रहो, ठीक है ना। ट्यूनिंग का तरीका भी मैं आपको अगले वाले जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उनके अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या, ये साउंड होल है, इसको हम साउंड होल बोलते हैं। उसके बाद में कुछ गिटार्स में क्या होता है कि आपको इंटरनल जो है ट्यूनर भी दिया होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी मैं अगर कोई नोट, अगर मान लीजिए अभी मैं कोई नोट प्ले करूंगा तो इसके अंदर बताएगा कि वो कैसी है। बट आई थिंक मेरे इसमें इंटरफेस में कुछ प्रॉब्लम है, जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ गिटार को अपने सॉफ्टवेयर में तब ये ट्यूनर ठीक तरह से काम नहीं करता, इसलिए आपको अभी ये कुछ रेंडमली कहीं पर लोकेशन दिखा रहा है। तो आप जो है इसको ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में इसमें वॉल्यूम का है बटन, बेस, मिडिल और ट्रेबल, ये फ्रीक्वेंसी इक्वलाइजर है, तो ये भी कुछ गिटार्स के अंदर आता है। उसके बाद में अगर आपको गिटार को एम्पलीफायर में कनेक्ट करना है या फिर अपने रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको एक होल दिखाई देगा और इस होल में आप जो है गिटार की केबल लगा दोगे और एक दूसरा एंड अपने इंटरफेस में लगा दोगे, तो उसमें कंप्यूटर में डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको इंटरफेस वगैरह परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो परचेज कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में जो गिटार का साउंड जो आप अभी मेरी गिटार से सुन रहे हो वो बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होगी गिटार के ऊपर। उसके बाद में मैं स्टेप्स के बारे में बता रहा था, थोड़ा और डिटेल में बता दूँ। जब देखिए मान लीजिए अभी मैं कुछ कहीं पर भी नहीं दबाया हूँ और गिटार को यहाँ इस स्ट्रिंग को यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं ओपन स्ट्रिंग प्ले करना, यानी कि ओपन स्ट्रिंग मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जब यहाँ पर मैं दबा करके प्ले करूँगा तो होगा कि मैं ये बोलूँगा कि मैं फर्स्ट फ्रेट में दबा करके प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड फ्रेट में, यहाँ पे थर्ड फ्रेट में, यहाँ पे फोर्थ फ्रेट में, फिफ्थ फ्रेट में, या आप काउंट कर सकते हो। इसके बाद में देखो 2 फ्रेट के बीच में कितना गैप होता है गिटार के अंदर, सेमी टोन या फिर हाफ स्टेप। लेकिन अगर आप बीच में 1 फ्रेट छोड़ दो और डायरेक्ट 3रे फ्रेट पर चले जाओ तब उनमें कितना गैप होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से गए हाफ स्टेप, उसके बाद में अगेन फिर हाफ स्टेप, यानी कि ये एक फुल स्टेप हो गया, ये जो गैप है वो फुल स्टेप हो गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अगले वीडियो में आपको और भी काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है फ्रेट में आपको कैसे प्रेस करना है, कहाँ से प्रेस करना है। बजिंग साउंड एक बड़ी समस्या होती है गिटारिस्ट के लिए स्टार्टिंग में, और कुछ मैं बेसिक आपको प्रैक्टिस भी दूंगा, यानी कि कैसे आप फिंगर्स को प्रेस करें। तो आप जुड़े रहिए म्यूजिकल महेश चैनल के साथ में और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।